बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो में मैं आप सबके कंफ्यूजन दूर करूंगी। आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप ही ज़ीरो का बुकरम कौन सा होता है, रेगुलर बुकरम कौन सा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का जो एक कन्फ्यूजन है वो दूर करूँगी और आपको बहुत ही क्लियरली बताऊँगी कि ज़ीरो के बुकरम को क्या कहा जाता है और ज़ीरो का बुकरम किस टेक्स्चर का होता है और रेगुलर बुकरम किस तरह का होता है। और मैं आपको चिपकाबकी भी बताऊंगी और मैं इनके यूजेस भी बताऊंगी कि जीरो का बुकरम ज्यादातर किन डिजाइन में चलता है और रेगुलर बुकरम ज्यादातर किन डिजाइन में चलता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानेंगे इस वीडियो में बुकरम की पहचान। अच्छा, मैंने अपने पास एक टिशू का रोल भी रख लिया है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इस रोल से हम क्या हेल्प ले सकते हैं और ये मैंने किस लिए अपने पास रखा है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी रेगुलर बुकरम क्यों कहा जाता है और रेगुलर बुकरम हमारे किन किन गलों में इस्तेमाल होता है। तो पहले आप सबने बहुत क्लियरली जानना है कि जो रेगुलर बुकरम होता है, गोल गला, चकोर गला, स्लिट वाला गला, एवरीथिंग गले, यानी कि जो हमारे रोज़मर्रा के ड्रेसेस में या हैवी ड्रेसेस में गले बनाए जाते हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे बनाए जाते हैं। और जो रेगुलर बुकरम होता है जिन पर हमारे गले बनते हैं, शेरवानी कॉलर बनती है, कफ बनते हैं, तो ये है वो बुकरम। ये अच्छा खासा थीक है, यानी कि काफ़ी मोटा बुकरम है। इसके ऊपर हमारे जो गले हैं वो बनते हैं तो इसे हम रेगुलर बुकरम कहते हैं। इसके ऊपर हमारे वो डिज़ाइन नहीं बनेंगे जैसे हमें कोई बॉर्डर रेडी करना है, हमारे सूट के साथ कोई बॉर्डर दिया है, जैसे मेरी स्लीव्स है इसके साथ ये जो बॉर्डर है, इसी तरह हमारी शर्ट का बॉर्डर था, हमने इसके ऊपर पेस्ट किया है, तो इसके ऊपर ये रेगुलर बुकरम नहीं लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर ज़ीरो का बुकरम लगेगा। अगर हम इसके ऊपर रेगुलर बुकरम लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, मोटा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा और पहनने में भी आपको जो है ना प्रॉब्लम करेगा। तो किसी भी बुकरम जो पेस्ट हम करते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं, उन पर रेगुलर बुकरम नहीं लगता। ये सिर्फ गलों के लिए ही होता है, गोल गला, चकोर गला, पान गला, स्लिट वाला गला, यानी कि जो हम नेक लाइन बनाते हैं, ये बुकरम हमारे उन गलों पे यूज़ होता है। ये हो गया क्लियर, रेगुलर बुकरम हमारा किन पॉइंट पे यूज़ होता है। ये हमारा जो बुकरम है पेस्टिंग में यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इसे हम फिलहाल साइड कर देंगे। अब आते हैं ज़ीरो के बुकरम की तरफ। तो ज़ीरो का जो बुकरम है ये हमारा, इस पर हमारे गले कभी नहीं बनेंगे, यानी कि गोल, बेब, स्लिट वाला गला, इस बुकरम के ऊपर हमारे ये गले कभी नहीं बनेंगे क्योंकि ये जस्ट लाइट वेट है। इसमें और टिश्यू पेपर में कोई फ़र्क नहीं है, जितना पतला यानी कि जितना टेक्सचर टिश्यू का है इतना ही टेक्सचर इसका है। आप टिश्यू में और ज़ीरो के बुकरम में कोई फ़र्क नहीं कर सकते हैं। और हाँ, मैं अपनी कई वीडियोस में कहती हूँ कि आपने ज़ीरो का बुकरम इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ज़ीरो का बुकरम नहीं है तो आप टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपने फैब्रिक पट्टी के ऊपर टिश्यू पेपर को इस तरह जमाना है हल्के हल्के हाथ से। आप चाहें तो इसके नीचे फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें ज़ीरो का बुकरम बेसिकली थोड़ा सा थिक करने के लिए इस्तेमाल करना होता है और कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज़ीरो का बुकरम नहीं है तो आपका डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका डिज़ाइन टिश्यू पेपर पर भी बन जाएगा। अब आते हैं इसको ज़ीरो का बुकरम देखें। ज़ीरो का जो बुकरम है इसका जो सीधा साइड है ये थोड़ा सा चमकदार होता है, जो हमारा चिपकाने वाला होता है, और ऊपर का जो साइड होता है ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, जिस तरह हमारा टिश्यू पेपर होता है, कोई भी रोज़ पेटल ले लें किस तरह का होता है। और ये देखें, ये बहुत ही पतला होता है। ये आपको जो हमारी होलसेल की मार्केट होगी आपके इलाके में, आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, आप किस इलाके से हैं, वहाँ जो होल सेल की शॉप होगी ये वहाँ मिलेगा। ये हर छोटी छोटी दुकानों पे नहीं होता, यहाँ से हमें रेगुलर बेसिस पे सिलाई का सामान मिलता है, सुइयाँ मिलती हैं, रीलें मिलती हैं, या जो रेगुलर बुकरम मिलता है ये उन शॉप से नहीं मिलता, ये हमें होल सेल मार्केट से मिलता है। आपने अपने इलाके की होल सेल मार्केट सर्च करनी है, वहाँ से ये आपको बासानी मिल जाएगा। मेरा दिल करता है कि मैं आपको भेजूँ, जहाँ जहाँ से मुझे कमेंट किए जाते हैं मैं आप सबको TCS पार्सल कर करके भेजूँ ताकि आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है जी। ये है ज़ीरो का बुकरम। अगर ज़ीरो का बुकरम नहीं है तो आप टिश्यू रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका सेम वही डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी जो टेंशन है वो दूर हो गई होगी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी ज़ीरो के बुकरम को लेके, रेगुलर बुकरम को लेके। और अगर आपके पास ज़ीरो का बुकरम नहीं है तो आप ये टिश्यू रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और आपने घर बैठे क्या मालूमात ली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करना है। अगर आप लोग मेरे रेगुलर देखने वाले हैं जो मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए हैं आप सबका थैंक यू सो मच। आप सब भी मुझे सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।